नमस्कार किसान भाइयों, डिजिटल खेती चैनल में फिर से आपका स्वागत है और हम हाजिर है एक नई जानकारी के साथ। आज हम बात करना चाहते हैं स्वीट कॉर्न के बारे में, जिसे अपन मीठी मक्का भी बोलते हैं। मक्का से तो लगभग सभी लोग अच्छी तरह परिचित होंगे क्योंकि बहुत सारे एरिया में मक्का लगाई जाती है, लेकिन ये एक विशेष तरह की मक्का है जिसे हम स्वीट कॉर्न कहते हैं। ये हमारी वेबसाइट है kisanhomecart.com, यहाँ भी आप विजिट कर सकते हैं। इस मक्का का जो प्रोडक्शन है वो लगभग ऐसे ही होता है जैसे आप अन्य मक्का का उत्पादन करते हैं, उसी तरह इसमें खाद डालते हैं, उसी तरह इसमें रोग और बीमारियों का प्रबंधन करते हैं, और जो बीज से बीज और लाइन से जो लाइन की दूरी रहती है वो भी आपकी जो सामान्य मक्का रहती है उसी की तरह इसको लगाते हैं। 60x30 सेंटीमीटर या फिर 45x45 सेंटीमीटर पर आप इसको लगा सकते हैं, और इसकी जो बीज दर रहती है वो लगभग आपका 2.5 से 3.5 किलो रहती है पर एकड़ के हिसाब से। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, इसका जो बीज है वो बहुत ही महंगा आता है, लगभग आप मान के चलें 2000 से 2500 रुपये किलो के हिसाब से आता है, और जो इसका बीज रहता है वो सामान्य मक्का की तुलना में थोड़ा छोटा और पिचका हुआ रहता है। तो आप इसको 60x30 सेंटीमीटर या 45x45 सेंटीमीटर की दूरी पर आप बड़े आराम से इसको आप लगा सकते हैं। सामान्य मक्का की तुलना में ये जो मक्का रहती है जिसे अपन स्वीट कॉर्न कहते हैं, ये बहुत ही मीठी मक्का रहती है, तो इसका जो भाव है वो बाजार में बहुत ही अच्छा मिलता है। इसको आप सामान्य मक्का की तरह बुवाई करके अपना सिंचाई करते रहें तो ये आप इसका उत्पादन कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम मक्का को किसी भी सीजन में लगा सकते हैं, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि जो मक्का स्वीट कॉर्न जो मक्का रहती है, अगर आप इसको थोड़ा पहले लगाएंगे सामान्य सीजन की तुलना में, जैसे कि अपन खरीफ में लगाते हैं या फिर रबी में लगाते हैं, तो अपना जो उत्पादन आता है वो जनवरी फरवरी में आता है। लेकिन अगर आप ये अगर इसका उत्पादन आपको नवंबर दिसंबर में आ जाए, यानी सीजन से थोड़ा पहले आ जाए, तो इसका जो भाव है वो बहुत ही अच्छा मिलता है। और इसकी खास बात ये है कि जैसे ही आप मक्का बोएंगे तो ये 60-65 दिन में इसका भुट्टा तैयार हो जाएगा, तो इस हरे भुट्टे को आपको तोड़ के बेचना है, तो बाजार में इसका जो भाव है वो लगभग आपको 20 से 30 रुपये किलो मिलेगा अगर आप मंडी में जाके बेचते हैं। फुटकर में बेचेंगे तो ये इसका भाव लगभग आपको 40 से 50 रुपये किलो में बिकेगी, तो एक किसान बड़े आराम से 1 एकड़ में लगभग 55-60 हज़ार रुपये बड़े ही आराम से कमा सकते हैं, और ज़्यादा भी अगर उत्पादन उनका अच्छा बैठता है और वो देखभाल अच्छी करते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया है अगर आप इसको स्वीट कॉर्न को लगाते हैं अपने खेत में। ये इस तरह आप देख सकते हैं इसको, इसके ये भुट्टे आग में पकाकर खाए जाते हैं जो बहुत ही मीठे लगते हैं, तो ये लोगों को बहुत ही पसंद आती है। और दूसरा किसान को ये फायदा होता है कि फसल ज़्यादा देर खेत में नहीं रहती है, और दूसरा उनकी महंगी बिकती है, तो उसको दोनों तरीके से फायदा हो जाता है। एक तो उत्पादन में फायदा हो जाता है क्योंकि भाव अच्छा मिलता है, अच्छे पैसे मिलते हैं, और दूसरा फसल जल्दी खेत में से निकल जाती है तो वो दूसरी फसल ही लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप इस मक्का को लगा सकते हैं और अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, तो देखते रहिए डिजिटल खेती। आप इसे चाहें हमारे चैनल को तो YouTube या Google पर भी सर्च कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।